दक्षिण भारत को मिला नया कांशीराम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने किया बड़ा फैसला। तेलंगाना प्रदेश कमेटी में बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने तेलंगाना प्रदेश को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इन्होंने तेलंगाना प्रदेश के प्रभारी रहे डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार, इन्हें प्रभारी पद से हटा दिया है और साथ ही तेलंगाना प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार, यह नाम नया नहीं है, यह चर्चित नाम है और दक्षिण भारत का उन्हें कांशीराम भी कहते हैं और स्वैरो के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार, इनका नाम काफी चर्चाओं में आया। डॉक्टर प्रवीण कुमार यह पहले भारत के IPS रहे हैं और तेलंगाना प्रदेश के एडिशनल DGP भी रहे हैं। इन प्रमुख पदों पर उन्होंने काम करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके कथन के अनुसार जिस प्रकार बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति में अगर आप हिस्सा नहीं लेते हैं, अगर आप ईमानदार लोग, अगर आपके जैसे अच्छे लोग राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि मूर्ख लोग आप पर शासन करते हैं। और इसीलिए बाबा साहब के इस कथन को अपना टैगलाइन बनाते हुए डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश किया था। डॉक्टर प्रवीण कुमार, इनका नाम इसलिए भी चर्चाओं में आया था कि उन्होंने 300 दिनों के लिए उन्होंने घर छोड़ा था और बहुजन राज अधिकार यात्रा के लिए निकल पड़े थे। संपूर्ण तेलंगाना का वह भ्रमण कर रहे थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कहे अनुसार फॉर योर इमेंसिपेशन, आपके संपूर्ण मुक्ति के लिए राजनीति में आपको हिस्सा लेना है, संसद पर आपको कब्जा करना है। इस प्रमुख भूमिका को निभाने के लिए उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। 300 दिनों की राजाधिकार यात्रा को लेकर वो गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले उन लोगों के बीच गए जो मुख्य धारा से दरकिनार रहे, जिन्हें मुख्य धारा ने कभी भी अपना नहीं माना। भारत के नागरिक होने के बावजूद उन्हें भारत के मूलभूत अधिकारों की जानकारी नहीं, मूलभूत अधिकारों से अभी तक वंचित रहे, मजदूर वर्ग से मिलते रहे, लगातार मजदूर वर्ग से मिलने के बाद उनकी किस प्रकार मजदूरी होती है, किस प्रकार वो जीवन जीते हैं, किस प्रकार वह रहते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, तमाम चीज़ों को उन्होंने करीब से देखने की कोशिश की है। कभी वो आपको अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग समुदाय के साथ दिखे। फिलहाल अभी रिसेंटली वो एक ऐसे जगह पहुँचे, ऐसे आदिवासी गाँव में पहुँचे जो जंगलों के बीच में है, जिस गांव में ना सड़क जाती है ना ही कई सालों से, आज हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में एक ऐसे गांव में डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार पहुंचे जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी जिस गांव में रहते हैं वहां अभी तक ना ही बिजली है, ना ही स्वच्छ पानी है, ना सड़कें पहुंच पाई हैं, और ऐसे जगह पर डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार पहुंचे हैं। डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार, इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों का दौरा किया है। डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार, इन्होंने लोगों की मदद की है, अगर सड़क पर दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना में भी उन्होंने अपना हिस्सा दिया और अपनी मानवता को दिखाने की मानवता को उन्होंने दिखाई है। इतना ही नहीं, तो जिन लोगों पर अन्याय अत्याचार होते हैं उन अन्याय अत्याचार को लेकर भी लगातार वो उनकी आवाज बनते हुए नजर आए। दलितों, मुस्लिमों, पिछड़ों और आदिवासियों पर होने वाले जुल्म, जातियों को लेकर वो हमेशा से ही आवाज़ उठाते रहे, प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। इतना ही नहीं, गांव में और मोहल्लों में, झुग्गी झोपड़ियों में उन्होंने दौरे किए, विजिट करे, उनकी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, वो किस प्रकार से मजबूरन भारत के अंदर नागरिक होने के बाद भी किस प्रकार वो प्रगत लोगों से किस प्रकार अलग ज़िंदगी जीते हैं, किस प्रकार आज तक उन्हें मूलभूत अधिकार प्राप्त नहीं हुए, इस देश का नागरिक होने के बाद भी आज भी वो मेहनत मजदूरी करने के लिए मजबूर है, किस प्रकार से वो जाति के आधार पर उन्हें कार्य करने के लिए आज भी जो लोग मजबूर हैं, उन तमाम लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मजबूर लोगों को उन्होंने मदद करने का भी ठाना था और कई लोगों को उन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जहां से विद्यार्थी इस देश को सेवा दे सकते हैं, ऐसे लोगों का उन्होंने निर्माण किया
कि वो इस देश के अंदर अच्छी समाज रचना स्थापित करने के लिए भविष्य में वो बच्चे काम आएंगे। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा काम डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार कर रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका यह कहना था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि उन्हें यह अपेक्षा थी कि यह पढ़े लिखे लोग जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो इन्होंने समाज का नेतृत्व करना चाहिए, समाज के पार्टिसिपेशन के लिए, समाज के रिप्रेजेंटेशन के लिए, समाज के हक अधिकार के लिए इन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन इस प्रकार का जो बाबा साहब का एक्सपेक्टेशन था वो ठीक नहीं हुआ, तो इसके बाद बाबा साहब काफ़ी निराश हुए थे। लेकिन डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार, इन्होंने बाबा साहब की बात को गांठ बांध ली, माने और कांचराम साहब के आंदोलन को समझ लिया और बहन मायावती से मिलने चले गए। बहन मायावती जी ने उन्हें नौकरी छोड़ने का आग्रह किया और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ने के बाद वो बहुजन समाज पार्टी के लिए तेलंगाना प्रदेश के प्रभारी बने थे और बहन मायावती ने उन्हें प्रभारी पद पर नियुक्त किया था। नियुक्त करने के बाद लगातार डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार अपने घर नहीं गए, ना ही उन्होंने आराम किया, लगातार वो समाज के अंदर रहे, समाज के लोगों से उन्होंने बातचीत की, वार्तालाप किया और हमेशा से सुर्खियों में आपको नजर आएंगे। और जिस प्रकार तेलंगाना के अंदर एक नीली लहर, जो बसपा की लहर चल रही है, और उस बात को लेकर तमाम लोग जो है डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार में मान्यवर कांचीराम साहब को ढूंढने लगे हैं। जिस प्रकार मान्यवर कांचीराम साहब लोगों के साथ बातचीत करते थे, लोगों की समस्याओं को समझते थे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, उसके उत्पीड़न को लेकर, उसके अन्याय अत्याचार को लेकर जिस प्रकार मान्यवर कांचीराम साहब संवेदनशील रहे, उसी प्रकार का रूप जो है लोग आप डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार में ढूंढ रहे हैं। बहन मायावती जी ने यह जो फैसला लिया है, इस फैसले को लेकर बहुजन समाज में खुशी की लहर है। तमाम बहुजन समाज के लोग, चाहे वो उत्तर भारत के हो या फिर चाहे दक्षिण भारत के हो, इस फैसले से, बहन मायावती के इस फैसले से काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इन्होंने डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार, इन्हें तेलंगाना प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इसमें आने वाले समय में तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी के लिए सुनहरा मौका, लोगों को लग रहा है कि आने वाला जो समय है वो सुनहरा मौका देने वाला है, सुनहरी सुबह देने वाली है। और इसीलिए अब इस फैसले का, बहन मायावती के इस फैसले को काफ़ी लोग सराह रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार यह बहुजन समाज पार्टी के कैडर बेस लीडर के तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन वो मात्र कैडर बेस लीडर नहीं है, वो मास बेस लीडर भी है और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी काफी समझ रखते हैं। और ऐसे में सोशल कहो, पॉलिटिकल कहो, एजुकेशनल कहो या फिर इकोनॉमिकल बेस पर भी डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार हर क्षेत्र में इस प्रकार से एक उभरते हुए नेता की तरह दिखाई दे रहे हैं कि तेलंगाना में उन्हें मुख्यमंत्री पद के तौर पर देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार बहुजन समाज की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जिस प्रकार बहुजन समाज उनसे आशा उम्मीद लगाए हुए है, लग रहा है कि हो सकता है बहुजन समाज पार्टी के लिए तेलंगाना में, दक्षिण भारत में, जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन उनके नेतृत्व में बढ़ता जा रहा है, तो आने वाला जो समय है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत।